नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए देखिए हमारे साथ देश और दुनिया की ताजा खबरें। सहारनपुर में IIA चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सदाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेगी। IIA द्वारा भी सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रदेश में MSMI के हित में उनके घोषणा पत्र में शामिल करने हेतु कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं। IIA कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों द्वारा उनकी कुल खरीद का कम से कम 30% हिस्सा प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमियों से खरीद किया जाए। इसके अलावा प्रदेश में MSME की लीज होल्ड भूमि को प्री होल्ड करने, भवनों पर हाउस टैक्स आवासीय भवनों से कम किए जाने की मांग की। स्टडी किया, क्योंकि आपको पता है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन SME सेक्टर को रिप्रेजेंट करने की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। उन्होंने भी और इस MSME सेक्टर से जुड़े बहुत बड़ी एक आबादी जुड़ी हुई है और ये इकलौती एसोसिएशन है जो MSME की जो अपेक्षाएं हैं वो राजनीतिक दलों तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि वो अपेक्षाओं को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। और कॉन्टिन्यूस चल रही है, चाहे यहाँ लैंड बैंक बनाना हो, चाहे यहाँ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर बनाना हो, या यहाँ का एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना हो, या हॉजरी उद्योग को ODOP में लाएं, इस तरह की चीजें हमारी पैरेलल चल रही हैं और आपके माध्यम से हम से जब भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको भी बताते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हमारे वो फिर कई सारे माध्यम से हमारे उद्योग बंधु है, हमारे जिला उद्योग बंधु है, मंडली उद्योग बंधु है, उसके बाद राज्य उद्योग बंधु है, यहाँ पर ही हम सारे मांग उठा सकते हैं और ये कार्रवाई करवा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने अन्य संगठनों के बारे में बात की, लेकिन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सबका अपना एक वर्किंग करने का तरीका होता है। लेकिन जहाँ तक एक बात है, IIA एकमात्र ऐसी संस्था है कि जो आज की हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो विभिन्न पार्टियां घोषणा पत्र जारी करने वाली है, उसमें जो SME सेक्टर की जो अपेक्षाएं हैं उनको, हमारी क्या अपेक्षाएं वो बताने के लिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने मुख्यतः हमारे हेड ऑफिस ने 9 अपेक्षाएं या 9 जो हमारी डिमांड्स हैं वो सामने लेकर आए हैं कि वो अगर ये अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लें और उसे इम्प्लीमेंट कर लें तो उससे SME सेक्टर का बहुत बेनिफिट होगा और UP में SME सेक्टर से जुड़ी हुई जो लगभग 10 करोड़ की आबादी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लगभग 90 लाख SME यूनिट उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें 1.65 करोड़ लोग कार्य कर रहे हैं, 90 और 1.65 करोड़ मिलाकर 2.55 करोड़ लोग डायरेक्टली उद्यमियों से जुड़े हुए हैं, उद्यम में हैं, और उनसे अगर हम 4 मेंबर भी लगा लें उनकी फैमिली में हैं तो लगभग 10 करोड़ के आसपास आबादी इससे जुड़ी हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका जीवन यापन को बढ़ाया जा सके, वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब SME सेक्टर का उद्धार होगा या SME सेक्टर बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपको हमने दे दिए हैं, तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप इसे हाईलाइट करें अपने मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, ताकि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें और सरकार बनने के बाद इसे इंप्लीमेंट करें, ताकि यहाँ पर MSME सरकार बनने के बाद ऐसे नहीं करते हैं, कई चीजें नहीं मानी जाती आपके पॉइंट पर सर। उसके लिए आप देखिए हमारी संस्था जो है कॉन्टिन्यूस बात करती रहती है, कॉन्टिन्यूस जो हमारे उद्यमियों की समस्या है या जो डिमांड्स हैं वो सरकार के पास पहुंचाती रहती हैं, लेकिन ये उपयुक्त समय है क्योंकि इस समय हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो लोगों की अपेक्षाएं अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, और देखा गया है मैनिफेस्टो में अगर आ जाती है तो उनकी एक प्रायोरिटी बन जाती है, तो इसीलिए हम चाहते हैं ये सब पॉइंट्स मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में वो शामिल करें, उसके लिए हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।